नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ओ लेवल दोस्त पे। आज की इस वीडियो में हम IoT के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को हमारे मेन चैनल पर M2 और M3 की लगभग 100-100 MCQs की क्लास प्रोवाइड कराई थी और आप लोगों की डिमांड थी कि इसी प्रकार से एक क्लास M4 R5 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की भी लाई जाए। बट वर्तमान समय में हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, तो 1.5 घंटे की क्लास रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए 20-20 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि जो आपकी तैयारी है उसमें कमी ना आए। जैसे ही स्वास्थ्य सही हो जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको 100 MCQs की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर भी क्लासेस मिलती रहती हैं और साथ ही आप यहाँ पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट M1, M2, M3, M4 इन सभी का टेस्ट दे सकते हो। सो आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं और उनके करेक्ट आंसर क्या हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDE इन आर्डिनो IDE IoT सॉफ्टवेयर? आर्डिनो IDE के संदर्भ में जो IDE है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म भी है। तो IDE का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। एक बात और जो कि आपको याद रखनी है, बात यहाँ पर चूंकि आ चुकी है IoT के बारे में, तो जो IoT सॉफ्टवेयर, जो IoT है ना, इसका फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। एक होता है IIoT, तो IIoT का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। एक होता है IoTA, तो जो IoTA है इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ए का फुल फॉर्म हो जाता है आर्किटेक्चर। एक टर्म आता है WOT, तो WOT का फुल फॉर्म वेब ऑफ थिंग्स होता है। एक होता है ML, तो ML का फुल फॉर्म मशीन लर्निंग होता है। एक होता है AI, तो AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। इसके अलावा एक टर्म आता है I2C, और इसका फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है। तो I2C यानी कि डुअल आई, तो पहले आई से होता है इंटर, क्या होता है इंटर, दूसरे वाले आई से हो जाता है इंटीग्रेटेड, क्या हो जाता है इंटीग्रेटेड हो जाता है, और सी से हो जाता है कम्युनिकेशन। तो आप इन फुल फॉर्म्स को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, IoT डिवाइस में वायरलेस कनेक्शन के लिए किस लेयर का उपयोग किया जाता है? तो जो IoT डिवाइसेस में कनेक्शंस होते हैं वायरलेस वाले, उसके लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर आ जाएगा डेटा लिंक लेयर। जो डाटा लिंक लेयर है ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, वायरलेस कनेक्शन के लिए, या फिर जो आप लोगों के इथरनेट कनेक्शंस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए जिम्मेदार होता है। हाँ, एक बात और कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इससे भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे मेजर कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं। तो आप आंसर टिक करोगे TCP और UDP। जो TCP है वो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, कैसा होता है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। वहीं जो UDP है, UDP कनेक्शन लेस होता है, कैसा होता है कनेक्शन लेस होता है। लेकिन शर्त ये है कि ये दोनों ही प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। वहीं जो आप पढ़ते हो IP एड्रेस है ना, जो पढ़ते हो ना आप लोग IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये किस पे काम करता है, तो ये काम करता है नेटवर्क लेयर पर। और IP से संबंधित आपको तीन बातें याद रखनी है कि एक होता है IPv4, तो जो IPv4 है ये होता है 32 बिट्स का। एक होता है IPv6 जो कि होता है 128 बिट्स का, कितने का होता है 128 बिट का होता है। एक इसका सौतेला भाई है, दैट इज़ MAC एड्रेस, तो जो MAC एड्रेस है
ये आपका होता है 48 बिट का। आपसे पूछता है कि मैक एड्रेस की मैक्सिमम लेंथ क्या है, तो आंसर आएगा 48 बिट मैक एड्रेस की मैक्सिमम लेंथ है। और मैक एड्रेस को ही हम लोग हार्डवेयर एड्रेस या फिर फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आर्डिनो आईडीई में कितनी बार सेटअप फंक्शन चलता है? आपको पता है, क्या पता है कि जो आर्डिनो, जब भी हम लोग आर्डिनो के लिए प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो जो प्रोग्राम होता है वो मेनली दो पार्ट में होता है। एक हम लोग लिखते हैं सेटअप फंक्शन के अंदर और एक होता है लूप फंक्शन के अंदर, ठीक है जी। तो जो जो स्टेटमेंट आप सेटअप फंक्शन की बॉडी में लिखते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होते हैं, जबकि जो स्टेटमेंट आप लूप फंक्शन के अंदर लिखते हैं वो बार 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 एग्जीक्यूट होते रहते हैं, यानी कि रिपीटेडली रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सेटअप फंक्शन के बारे में बातचीत कही गई थी। आपसे पूछ लेता है कि जो ये बताइए कि जो आर्डिनो ऊनो है, क्योंकि आपके सिलेबस में आर्डिनो ऊनो है, तो जो आर्डिनो ऊनो है इसमें कितनी डिजिटल पिन होती हैं? तो आंसर आएगा 0 से लेकर 13 तक डिजिटल पिन होती हैं। अच्छा जी, ये बताइए कि जो आर्डिनो ऊनो है इसमें कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया जाता है? तो आपका आंसर आएगा कि आर्डिनो ऊनो में ATmega328P, क्या ATmega328P इस माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया जाता है। इसको आप याद रखिए, ज़रूर छपेगा आपके एग्ज़ाम में, यानी कि 99% उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा कि आर्डिनो ऊनो में कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया जाता है। तो ATmega328P ये माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया जाता है। सर ये बताइए कि ATmega328P में पी का फुल फॉर्म क्या होता है? और ये आ भी चुका है, तो पी का फुल फॉर्म पिको पावर होता है, तो ये बात आप याद रखिएगा। और कुछ तो है ना इससे संबंधित इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, MQTT किसने बनाया है? तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि MQTT है क्या। तो जिस प्रकार से हम लोग जिस गोला पे रहते हैं जिसका नाम है पृथ्वी, उसी प्रकार से एक गोला है प्रोटोकॉल का, क्या नाम है? प्रोटोकॉल का। तो जो ये गुलवा है ना, इसी गुलवा में कई सारे प्रोटोकॉल हैं, जैसे कि MQTT हो गया, इसी में आपका आ जाएगा AMQP है ना, COAP, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो HTTP हो गया, TCP हो गया, UDP, ये सभी के सभी प्रोटोकॉल हैं। तो जो MQTT है ना, इसका फुल फॉर्म होता है MQ टेलीमेट्री प्रोटोकॉल, ठीक है जी। MQTT बनाया किसने है? तो MQTT एनडी स्टैनफोर्ड क्लर्क ने बनाया है। सर ये बताइए कि MQTT से संबंधित एग्ज़ाम में और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो आप याद रखिएगा, आपसे जब भी पूछे कि HTTP से लाइट वेट प्रोटोकॉल कौन सा है, तो HTTP से लाइट वेट प्रोटोकॉल MQTT है। MQTT किस मॉडल पे काम करता है? जैसा कि आपको पता है कि जो IoT है इसमें आप लोगों के मेनली 4 मॉडल्स हैं, तो उसी में एक मॉडल है पब्लिश सब्सक्राइबर लाइन का, किसका, सॉरी, पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल। तो इसी मॉडल पे MQTT काम करता है। आपसे पूछता है ट्रू फॉल्स में कि ये बताइए कि जो MQTT प्रोटोकॉल है ये किस पे काम करता है, TCP पे या फिर UDP पे? तो आंसर आएगा कि जो MQTT है वो TCP का पोर्ट यूज़ करता है, ना कि UDP का। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनटी स्टैनफोर्ड क्लर्क। 5, जिगपी स्मार्ट एनर्जी के लिए निम्न में किस टोपोलॉजी का उपयोग करता है? तो जो जिगपी है, अच्छा जिगपी क्या है, तो जिगपी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी, क्या है, जिगपी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें M2M के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये आप लोगों का कॉस्टली भी नहीं होता है, यानी कि लो कॉस्ट होता है। दूसरी बात कि आपसे पूछता है ट्रू फॉल्स में कि ये बताइए कि जिगपी वाईफाई से अधिक विश्वसनीय है,
ट्रू की फॉल्स, तो आंसर आएगा ट्रू। जो जिगपी है ये वाईफाई से रिलायबल है, वाईफाई से ज़्यादा विश्वसनीय है। तो जो जिगपी है ना, ये इसमें हम स्टार टोपोलॉजी यूज़ करते हैं, स्टार टोपोलॉजी में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस IoT नेटवर्क की सीमा बहुत कम है? तो नाम से पता चल रहा है शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क, इसकी जो रेंज होती है सबसे कम होती है दिए गए ऑप्शंस में, तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। IoT शब्द किसने गढ़ा, यानी कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये टर्म है, ये टर्म किसके द्वारा क्वाइन किया गया? तो एक टेक्नोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था केविन अस्टन, तो इनके द्वारा 1999 के आसपास। आप ज़रा एक बार इस ईयर को चेक कर लीजिएगा, मुझे इसमें 100% श्योरिटी नहीं है, ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। तो एक टेक्नोलॉजिस्ट थे केविन अस्टन, इन्होंने सबसे पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स इस शब्द को क्वाइन किया। कब किया? तो 1999, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा इस ईयर को, ठीक है जी। हाँ, इससे संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो आपसे पूछता है कि जो IoT है इसमें एनालिटिक्स के लिए कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है? तो आंसर आएगा पायथन, और ये एक डबल बल्कि ट्रिपल स्टार रेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है, IoT में जब हम लोग जावा में प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, जावा से प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, तो वहाँ पर फाइल को किस नाम से सेव किया जाता है, फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो आंसर आएगा .jar, ये फाइल एक्सटेंशन होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है, रेफरेंसेस आर मेंशनड इन रिज्यूम, क्या रिज्यूम में रेफरेंस मेंशन किया जाता है, ट्रू या फिर फॉल्स? इसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देता हूँ। जब भी आप लोगों की किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको पता है कि वहाँ पर जब तक कि पौवा ना लगाओ, अगर हम लोग बात करें उन्नाव की भाषा में, जब तक कि आप जुगाड़ ना लगाओ, पौवा ना लगाओ, तब तक कि आपको प्राइवेट जॉब नहीं मिलती है। यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करना चाहते हो, तो आपका कोई मिलने वाला, कोई आपका रेफरेंस उस कंपनी में काम कर रहा हो या वो किसी एम्प्लॉय को जानता है, तभी आपको वहाँ पर जॉब मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो क्या वहाँ पर आप जो रिज्यूम क्रिएट कर रहे हो उस कंपनी में जॉब के लिए, क्या उस रिज्यूम में मेंशन करना पड़ता है कि आप किसके रेफरेंस से आए हो, क्या रेफरेंस का उल्लेख किया जाता है, ट्रू या फिर फॉल्स? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। अगर आप लोगों चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ये आपकी इच्छा पे है। WSN का फुल फॉर्म क्या है? तो WSN का फुल फॉर्म वायरलेस सेंसर नेटवर्क होता है। नेक्स्ट, बिल्ड USB में माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करने वाला पहला बोर्ड कौन सा है? तो जो लियोनार्डो है, ये पहला ऐसा बोर्ड है जिसमें माइक्रो कंट्रोलर भी था, साथ ही यहाँ पर बिल्ट इन USB था, यानी कि इसमें आप लोगों को अलग से USB नहीं लगानी पड़ती थी, इसमें USB का पोर्ट दिया गया था, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ, एक टर्म यहाँ पर दिया गया है लिली पैड, तो जो लिली पैड है ना, इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि सिलाई करने के लिए कौन सा बोर्ड उपयुक्त है, तो आंसर आएगा लिली पैड, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्विंग के लिए कौन सा बोर्ड उपयुक्त है, आंसर आएगा लिली पैड। बट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के रिस्पेक्ट में ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या होम पॉड आवाज़ को कंट्रोल करने के लिए अलाउ करता है? जी बिल्कुल, ये हो जाएगा ट्रू, जो कि एक IoT डिवाइस है। निम्न में कौन IoT का एप्लीकेशन नहीं है? स्मार्ट होम भी है, स्मार्ट सिटी भी है ना, सेल्फ ड्राइविंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रैफिक मॉनिटरिंग हो गया, हॉस्पिटलिटी हो गया है ना, तो ये सभी IoT के एप्लीकेशंस हैं। बट जो ये आपको दिख रहा ना, सबसे अलग, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये क्या है? ये एक IoT डिवाइस है। क्या है? ये एक IoT डिवाइस है। सर ये बताइए, डिवाइस तो है लेकिन इसका यूज़ क्या है? तो जो BMP 280 है ना, ये एक प्रकार का सेंसर है। इसका काम क्या है? तो जो भी आपका वायुदाब होता है,
क्या वायुदाब होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वायु यानी कि एयर, दाब मतलब प्रेशर। ये क्या करता है, ये एयर प्रेशर को मेज़र करता है, एयर प्रेशर को माप करता है। तो जो BMP 280 है ये IoT का एप्लीकेशन नहीं है बल्कि IoT की डिवाइस है। GPIO का फुल फॉर्म क्या होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है, तो GPIO का फुल फॉर्म जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन होता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। साथियों अगर आप लोग चाहें तो आप हमारा ओ लेवल का पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आपको आना है स्टोर में, यहीं पे आपको कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आप यहां पर आकर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हो। काफ़ी छात्रों ने अपना ओ लेवल इन टेस्टों से अपना कंप्लीट कर लिया है। साथ ही आप लोगों को यहां पर लगातार क्लासेस प्रोवाइड दी जा रही हैं, तो आप इनको भी देखिए। और यहां पर तो आपको क्लास मिल ही रही हैं, साथ ही आप लोगों के लिए बना दी गई हैं प्लेलिस्ट, जिनको फॉलो करके आप पर्टिकुलर मॉड्यूल के जो वीडियोज़ हैं वो सिक्वेंस में पा सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, API स्काई ब्रिज है। जी बिल्कुल, जो API है और API का फुल फॉर्म आपको बताना है और इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म भी है। API का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करिए, इसको आप याद भी कर लीजिए। तो जो API है ये स्काई ब्रिज है, क्यों, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो भी आपकी IoT डिवाइसेस हैं वो जो भी डेटा कलेक्ट करती हैं या रिजल्टेंट होता है वो उसको ऑटोमेटिकली दूसरे मशीन तक पहुंचा सकती हैं, यानी कि यहाँ पर जो API हैं एक ब्रिज का काम करती हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करें 14 के बारे में, तो IoT डिवाइस में बूट लोडर को रीप्रोग्राम करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो एक मेथड है ICSP, और ICSP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो I से हो जाएगा इन, C से हो जाएगा सर्किट, S से हो जाएगा सीरियल और P से हो जाएगा प्रोग्रामिंग। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 15, ओपन IoT आर्किटेक्चर में कितने एलिमेंट होते हैं, तो ओपन IoT आर्किटेक्चर में 7 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं, 7 एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट होते हैं। मैं प्रयास करता हूं कि मैं आपको सातों के सातों एलिमेंट यहां पर लिखकर बताऊं, क्योंकि आपसे पूछ सकता है MCQs में कि इनमें से कौन IoT ओपन IoT आर्किटेक्चर का एलिमेंट है या फिर कौन नहीं है। आपको चार ऑप्शन देगा तो उसमें आपको पहचानना पड़ सकता है। तो मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास करता हूँ। पहला एलिमेंट, तो यहाँ पर तो आपको चाहिए होगा सेंसर, क्या चाहिए होगा, सेंसर चाहिए होगा। नंबर दो पे आप लोगों को यहाँ पर जो डेटा आ रहा है, जा रहा है, जो रिजल्टेंट है उसको स्टोर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप लोगों को एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज चाहिए होगा, ठीक है जी। इसके बाद में जो डेजिनेशन है रिजल्ट का, वो भी एक एलिमेंट होता है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा रिजल्ट डेजिनेशन, डिजिनेशन, ठीक है। नंबर चार पे आपको चाहिए होगा कि जो आपका IoT सिस्टम है उसको मॉनिटर करना, उसको कॉन्फ़िगर करना, तो यहाँ पर जो अगला टर्म आता है, अगला एलिमेंट आता है वो आता है कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग। चार एलिमेंट हो गए। पांचवा अगर मैं यहाँ पर देखना चाहें तो सेंसर, क्लाउड स्टोरेज, रिजल्ट हो गया, कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटरिंग हो गई, और हाँ यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है उसको रिप्रेजेंट करना होगा, तो रिक्वेस्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया। नंबर छः पे आपका एक होता है यूटिलिटी मैनेजर करके, क्या यूटिलिटी मैनेजर करके होता है, तो ये एक ये भी एलिमेंट है। एक बच रहा सातवां एलिमेंट, तो सेंसर, क्लाउड स्टोरेज, रिजल्ट डेजिनेशन, कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटरिंग, है ना, रिक्वेस्ट रिप्रेजेंटेशन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और क्या छूट रहा भैया, हाँ शेड्यूलर, क्या एक होता है शेड्यूलर। तो ये आपके 7 एलिमेंट हो चुके हैं जो कि होते हैं ओपन IoT आर्किटेक्चर के, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिंक्ड स्ट्रीम डेटा इज लाइव स्ट्रीम। जी बिल्कुल सही है, लिंक्ड स्ट्रीम डेटा की एक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लाइव स्ट्रीमिंग। जी बिल्कुल सही है, और ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रू फॉल्स है, तो ये हो जाएगा ट्रू। द हग नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैज टू कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली नॉट वाया ह्यूमंस, व्हाट इज दिस कॉल्ड।
डिवाइसेस जो आईओटी में कनेक्टेड हैं, वो डिवाइसेस अपने आप से स्वयं से ऑटोमेटिकली डेटा को सेंड और रिसीव कर रहे हैं, उनको प्रोसेस कर रहे हैं। तो आप इसको क्या बोलोगे? तो इसको हम बोलेंगे M2M, क्या बोलेंगे? मशीन टू मशीन। तो 17 में आ जाएगा सी। मुझे आशा है कि आप लोगों ने हमारे काम को सपोर्ट किया होगा। हमारी इच्छा थी कि आप लोगों को स्वयं MCQs की क्लास प्रोवाइड करा दूं पहले से ही, बट यहाँ पर थोड़ा स्वास्थ्य का इशू हो गया था तो मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया, बट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही कराऊंगा। 18 प्रोवाइड्स आ मिडलवेयर एंड एप्लीकेशन कंटेनर फॉर IoT गेटवे। तो जो इक्लिप्स कोरा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली ये एक प्रकार का प्रोग्राम है जो आपको इस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इसमें आ जाएगा इक्लिप्स कोरा। 19 विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ लेटर। तो आप लोग अपने दोस्त को भी लेटर लिखते हो, है ना, समझ रहे हो ना, लेटर की बात कर रहा हूँ मैं। तो अपने आप बेस्ट फ्रेंड को भी लेटर लिखते हो, बिजनेस पर्पज से भी लेटर लिखा जाता है, कोई आप एप्लीकेशन लेटर भी लिखते हो, बट म्यूजिकल लेटर कोई लेटर नहीं है। तो इसमें आ जाएगा आप लोगों का डी। वॉट इज़ द इन्फॉर्मेशन इंडोर्स्ड ऑन द इन्वेलप। जो इन्वेलप होती है उसमें आप कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हो? तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए आपके पास कोई पत्र है, वो पत्र आप लोगों का सेंसिटिव भी हो सकता है, यानी कि आप चाहते हो भैया जिसके लिए हमने भेजा है उसी को मिले, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका पत्र है उस पत्र को आप एक लिफाफे के अंदर पैक करते हो और उस लिफाफे में आप मेंशन करते हो कि जिसने भेजा है उसका नाम क्या है, जिसने भेजा है उसका पता क्या है, वो लेटर किसके लिए भेजा गया है, उसका नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है। यानी कि यहाँ पर नेम और एड्रेस मेन कंपोनेंट होते हैं, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्लास में 20 MCQs मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। आई होप कि ये सेशन आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। आपके एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ और ईश्वर से प्रार्थना है। सो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक।